नमस्कार दोस्तों, दोस्तों यदि आपने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का फॉर्म डाल रखा है और एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों कुछ खबरी निकल के आ रही है एग्जाम डेट को लेकर। जो आप बहुत दिन से मेरे पास कमेंट कर रहे थे आखिर परीक्षा कब लगेगी, आखिर परीक्षा कब लगेगी, तो उसी को लेकर कुछ अपडेट निकल के आ रही है आपके लिए। कुछ खबरी है एग्जाम कब लगने जा रही है वो मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम है लगभग दोस्तों पूरी तरह तय है कि ये एग्जाम है मार्च के महीने में ले ली जाएगी। ऐसा मैं खुद नहीं बोल रहा, ये दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट के जो अफसर है, जो अधिकारी है, उन्होंने बोला है। किससे दोस्तों? राजस्थान बेरोजगारी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, पूछने पर बताया है कि हम एग्जाम है वो मार्च के महीने में ले रहे हैं और जनवरी के महीने में जो भी एग्जाम सेंटर है इनको पूरी तरह से हम कर लेंगे और फरवरी नहीं मार्च के फर्स्ट तक ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। हम जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम लेने की वो मार्च के फर्स्ट वीक तक ये है, मार्च के फर्स्ट में हम एग्जाम ले लेंगे। तो लगभग दोस्तों तय हो चुका है कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम है वो मार्च 2023 में होने जा रही है। आपके पास जो समय बचा है वो समय बचा है दोस्तों 2 महीने का, जनवरी और फरवरी। मार्च के महीने में आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। अब मार्च के अंत में भी नहीं, मार्च के फर्स्ट में या मिड में ही दोस्तों आपकी एग्जाम ले ली जाएगी। बाद में दोस्तों दिक्कत आ सकती है, क्यों? क्योंकि राजस्थान में बोर्ड की एग्जाम वो स्टार्ट हो जाएंगी तो परीक्षा सेंटर है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन मार्च के फर्स्ट में ही दोस्तों आपकी एग्जाम है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की वो पूरी तरह तय हो चुकी है। अब दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है और जनवरी के लास्ट तक परीक्षा सेंटर है वो अलॉट कर लिए जाएंगे और उसके बाद में फरवरी में आपको एग्जाम डेट मिल जाएगी और मार्च में एग्जाम है वो ले ली जाएगी। तो आपको तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। यदि आपका सपना है एलडीसी में जाने का और आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हो तो अब आपके लिए दोस्तों कुछ खबरें आना स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से ही अपनी तैयारी है इसको और भी मजबूत कर लो। आपकी एग्जाम है वो अब आपके पास 2 महीने का समय बचा है, जनवरी और फरवरी, तो इनमें अपनी तैयारी को आप और भी बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप चाहो तो दोस्तों रोजिना टाइपिंग भी कर सकते हो, 1-1 घंटे भी टाइपिंग को दोगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो पेपर और टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट तीनों को मिलाकर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, टाइपिंग में बाहर हो जाओगे तो क्लियर आप बाहर हो जाओगे, तो आपको टाइपिंग भी साथ लेकर चलनी है। ज्यादा नहीं, 1-1 घंटे आपको रोजाना टाइपिंग करनी है जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप सिलेक्शन है वो ले जाएंगे। तो आपके लिए दोस्तों यही अपडेट निकल के आ रहा था, तैयारी और भी बेहतर कर लो। इसके अलावा दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।